कहाँ से आयो? लखनऊ से। गुरु जी क्या हो गया इनको? इनको गुरु जी नशे के इंजेक्शन लगते लगते। नशे के इंजेक्शन? नशे के जी। क्या 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 अरे मैं गलत जगह लग गए थे। गलत जगह इंजेक्शन लग गए थे। गलत जगह मतलब हॉस्पिटल में गलत इंजेक्शन लग गए थे। अच्छा कैसे? मतलब डिलीवरी होनी थी हाँ, तो गलत इंजेक्शन लग गए। अच्छा डॉक्टर से गलती हो गई जी। और एक बच्चा गुरु जी आया उसको न्यूरो की प्रॉब्लम। क्या नाम उसका? माया। स्क्रीन पर देखिए हमें लिखा है माया देवी को पीड़ा है, कमर में दर्द है, इंजेक्शन की चोट दवा लगी है और इंजेक्शन का कष्ट है। तत्काल ही आपकी पत्नी को लाभ होगा, निरोग होगी। L4, L5, S1, S2 में दवा है और हड्डी में इंजेक्शन गलत लगा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। डॉक्टर दब गए हैं। लेकिन गुरु जी एक लड़का आया हुआ उसके भी यही दिक्कत है। लाभ हो जाएगा। स्क्रीन देखिए माइक रख दो। आप लोग पढ़ पा रहे हैं? इन्होंने कहा है इंजेक्शन गलत लगा, तो हमने भी ऊपर से दूसरी लाइन में लिखा है कि इंजेक्शन गलत लगा। यह सत्य है कि यह मसूले में यानी कि मांस में, मांस में लगना था, वो हड्डी में लग गया है। तो उसने क्या किया कि ये तो बड़ी भाग्यशाली है कि चल फिर रही है, नहीं तो कई लोग आजीवन के लिए विकलांग हो जाते, क्योंकि दवा कहां लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, उसका उसी तरीके से पद्धति का उपयोग करना है, सफलता मिलेगी। हनुमान जी पे आस्था रखो और ये दौड़ेंगी चलेंगी फिरेंगे, बच्चा भी ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, उसको इलाज कराइए, मेरी गारंटी है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ये लिखा है हमने पर्ची में, देखिए लास्ट पुराना पर्चा भी देखिए, और ये लिखा हमने भी लिखा है अंकुर, ये लिखा जहां पेन रखे, देखिए अंकुर ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। रखिए माइक। ओला रोड पे क्या समस्या लेके आया? मामा जी के बेयर हाउस है। स्क्रीन बेयर हाउस अनाज चोरी जा रहा है। मामा कृष्णकांत जोशी, भाई का नाम प्रफुल्ल शांडेल, लव आपकी साली से चल रहा है, आपके भाई का आपकी साली से लव चल रहा है, जिसका नाम है सोनम, बोलो हाँ या ना। हाँ है। जाओ छूट जाएगी, क्योंकि तुम्हारा भाई शादीशुदा है जी, और साली भी शादीशुदा है जी, लेकिन उसका पति मर गया है, बेचारी क्या करे, कहीं तो ढूंढेगी जी, जी। लेकिन एक गड़बड़ है, हर कोई नहीं करता ऐसा, जिसकी दिमाग में खोट होता है वो ऐसा करते हैं। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा भाई छूट जाएगा वहां से। जय हो गुरु जी। जय। और अब साली को सुरक्षित रख लेना, तुम्हारा धर्म बनता है कि साली को भी घर बच जाए। और अपना नौकर मामा से कह देना, चौकीदार नौकरों को और मिल जुल के तुम्हारे यहाँ के लोग कर रहे हैं, स्टाफ के लोग माल अनाज गेहूं चना चावल सब आदि चोरी कर रहे हैं। माइक कितना? 60-70 लाख का। ओहो कितना ज्यादा कर्ज है। हनुमान जी कृपा करेंगे जी। चलो एडवांस 500 रुपए दीजिए जी। जिसका नंबर है 3GW3GM 30-60-59। सबसे ऊपर ही लगा, सबसे ऊपर ही ये ऐसा नहीं आ गया, ये है सामने, नहीं सोच लें और ले भाई स्क्रीन लीजिए अपना, जाइए हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। हाँ। क्या परेशानी लेके आई भैया? पता नहीं बाबा मेरे तो क्या। आपको पता नहीं, पढ़ी लिखी हो? हाँ। चलो हमने लिखा है, सही हो तो बोल देना, नहीं हो तो मना कर देना। हाँ। देवेंद्र जी शराब पीते हैं। हाँ। ये देवेंद्र कौन है? मेरा छोटा बेटा। अच्छा सोनू शराब पीता है। हाँ। ये कौन है? ये मेरा बड़ा बेटा महराम। भैराम मेरा पिताजी। महराम की आप पुत्री हैं। हाँ। मायके से आप पे बाधा है। हाँ। आपकी बाधा खत्म होगी। अच्छा है ना। हाँ। और आपके ऊपर हाँ। राम देवाजी जय राम जी मैना देवी पित्रानी आपके घर में अच्छा। परेशान कर रही हैं। जी कौन है ये? मेरे राम देवा तो जो मेरी दादस थी ना उसके दूसरे पति थे, और जो जयराम थे वो पहले पति थे, जिसने नैना देवी दो शादी की थी। हाँ दो शादी की थी मैना देवी ने। मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ, हाँ। हनुमान जी कृपा करेंगे। हाँ। आपके घर की बाधा नहीं रहेगी भैया, और आज से तुम ठीक बस। हाँ। आपको 40 दिन पंडोकर धाम रहना है। 40 दिन यही रहना। हाँ 11 दिन में 5 दिन में 7 दिन वाली आपकी बाधा नहीं। आपकी तो इतना बड़ा संकट है कि 10 साल भी रुकोगी तो खत्म नहीं होगी, लेकिन पंडोकर धाम में मात्र 41 दिन में ये बाधा खत्म। अच्छा 41 दिन यही रहना पड़ेगा जी जी। और हाँ, माइक ले रही है। हाँ, आपके पति आए हैं। हाँ, उनके पास में एक नोट है जिसका नंबर है 54-69-21। हाँ जी। देखिए आपके जेब में इस नंबर का नोट होगा, 500 का होगा, जिसका नंबर है लास्ट में 921। हाँ। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। माइक नीचे दीजिए। देखो अंडे पर निकलेगा, वहां दिखाओ, वहीं से दिखाओ, वहीं से दिखाओ, वहीं से दिखा दो, वहीं से दिखा दो। आप उल्टा करें वो नहीं, सीधा करो भैया, दिखाई देना चाहिए। बोलिए पंडोकर सरकार की
जय जय बोलिए पंडो घर सरकार की। जाइए खड़े हो जाइए, उतरिए भैया, आराम से जाओ।